get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on हेलो दोस्तों, आप सब लोग अपने चैनल में फिर से स्वागत करता हूँ। दोस्तों मैं हूँ मनोज वर्मा। तो दोस्तों आज मैं आपके लिए एक नई बिल्कुल स्पेशल वीडियो लेके आया हूँ। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में कहा था कि मैं इस गाड़ी की बाहर के डिज़ाइन के हर चीज़ के पार्ट के बारे में बताऊँगा, तो दोस्तों उसी के बारे में आज मैं बताऊँगा। दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना, कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आपको गाड़ी के इंजन के बारे में बताता हूँ। तो दोस्तों 1100 सीसी का इंजन है वैगनर LXi का। तो दोस्तों ये एक बार में टॉर्क 98 Nm जनरेट करती है और इसकी पावर देती है 64 एम्पियर। तो दोस्तों आप इस गाड़ी के इंजन की बात करी जाए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन इंजन है। ज़्यादातर गाँव में ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा नंबर वन पे है, कहीं भी ये अटकने के चांसेस नहीं होते। मैं आपको अभी चला के इसको दिखाऊंगा हर तरीके से। तो दोस्तों अब इसकी सीट की बात करी जाए तो दोस्तों ये 5 सीटर गाड़ी है, हैचबैक में है। तो दोस्तों आपको मैं इसके अंदर का गाड़ी की सीट वीट दिखा देता हूँ खोल खाल के, तो कैसी क्या है। तो दोस्तों आइए देखते हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया था, मैं गाड़ी के अंदर की सीटों के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ये गाड़ी हैचबैक है, 5 सीटर है। तो दोस्तों फ्रंट में आपको ये 2 सीटें मिलती हैं, एक सीट में ड्राइवर बैठता है और एक सीट पैसेंजर के लिए होती है, जो अपने आप बैठ सकते हो। दोस्तों कल की मैंने वीडियो में आपको इंटीरियर के बारे में बताया था, कैसे क्या इंटीरियर है हर चीज़। अगर आपको वो देखनी है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाके चेकआउट कर सकते हो। तो दोस्तों ये होगी फ्रंट की बात। अब मैं आपको कि बैक साइड में 3 लोग बैठ सकते हैं, एक बार में आप बैठ सकते हो, लेट सकते हो, जो काम करना हो आप कर सकते हो। गाड़ी एकदम नंबर वन है, आपको कोई शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। आप एक बार ना मानो तो यूज़ करके देख लेना, आपके दोस्त यार किसी पे भी ये गाड़ी होगी। आप इसमें 341 लीटर का पीछे वो दिया है, आप सामान वान अपना रख सकते हो यहाँ पे आराम से, बैठ के लेट के हर कोई दिक्कत नहीं होगी। एकदम कम्फर्टेबल गाड़ी है, कोई सीट की भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। एकदम इसके गद्दे एकदम बढ़िया है, आप कैसे भी जो करना चाहो कर सकते हो, एकदम बैठने में एकदम नंबर वन गाड़ी है। तो दोस्तों यहाँ पे मिरर विरर देखा, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर की क्या कैसा क्या स्पेस है। तो दोस्तों आपने देख ही लिया होगा अंदर में क्या है कैसा क्या है। और दोस्तों अब मैं आपको ले चलता हूँ बैक साइड में। तो दोस्तों बैक साइड में मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये अब आगे बैक साइड में, तो दोस्तों आप देख सकते हो बैक साइड का लुक इतना बढ़िया है। तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ी बहुत पानी वानी के कारण थोड़े बहुत लग रहा है, थोड़ी अभी चला के लेके आए गाड़ी से थोड़ी बहुत गंदगी आ गई है, नहीं तो दोस्तों गाड़ी एक नंबर वन है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको कोई दिक्कत लगे तो प्लीज़ कमेंट में हमें बताइए कि ये दिक्कत थी ये नहीं थी, हम उसे भी दूर करेंगे आप। तो दोस्तों ये आप देख सकते हो। अब हम आते हैं मेन टॉपिक पे। दोस्तों अब हम इसे चला के आपको दिखाते हैं। दोस्तों मैंने आपको गाड़ी की सारी डिटेल बता दी है। तो दोस्तों अब हम इस गाड़ी को चला के आपको चेक करके दिखाएंगे कि कैसी क्या गाड़ी है, कैसे क्या चलती है, आपको हर चीज़ एक एक रिव्यू दूंगा। तो दोस्तों प्लीज़ मेरी वीडियो में बने रहना। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करना और एक प्यारा सा कमेंट करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं इस गाड़ी को और घुमाते हैं और आपको मज़े दिलाते हैं। दोस्तों मैंने गाड़ी स्टार्ट कर चुकी है। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो गाड़ी एकदम चलने में भी बढ़िया है, इस गाड़ी का ज़्यादा साउंड भी नहीं है। तो दोस्तों मैंने जैसे कि आपको बताया था कि मैं इसकी हेडलाइट आपको चला के दिखाऊंगा हर चीज़, इंडिकेटर विंडिकेटर, तो आपको देख सकते हो कि इंडिकेटर कितना ज़्यादा बढ़िया चल रहा है और इस दोनों इंडिकेटर एकदम बढ़िया चल रहे हैं। तो दोस्तों अब आती है हेडलाइट की बात, तो हम हेडलाइट में आपको दिखाता हूं। देखो दोस्तों दिन का टाइम है, आपको समझ में आ रहा होगा इसके डिपर भी कितने बढ़िया हैं। तो दोस्तों आप देख ही सकते हो। तो दोस्तों इस गाड़ी में एक नंबर गाड़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। दोस्तों मैं अपने पूरे रिव्यू के साथ बता रहा हूँ, मैंने 5 साल इसको यूज़ किया है, ऐसा 6ठा साल चल रहा है ये। दोस्तों आप मानोगे नहीं एक नंबर गाड़ी है। तो दोस्तों अब हम इसे चला के दिखाते हैं। तो आइए अब गाड़ी में थोड़ा बैठते हैं, बाहर वैसे भी थोड़ी ज़्यादा गर्मी हो रही है, तो अब गाड़ी में बैठते हैं और चला के दिखाते हैं। दोस्तों ये हमारे भाई हैं सुब्रतो भाई, तो ये गाड़ी हमें चला के दिखाएंगे कि गाड़ी का पूरा हर चीज़ एकदम बढ़िया तरीके से बताएंगे। तो आइए चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हेलो गाइस,
तो दोस्तों बाहर बहुत ज्यादा गर्मी थी, थोड़ा अंदर आके थोड़ा ठंडा हो रहे हैं। चलो अब दिखाते हैं आपको चला के गाड़ी। चलो भाई स्टार्ट कीजिए। तो दोस्तों आप सब देख ही सकते हो गाड़ी का बिल्कुल भी साउंड नहीं आ रहा है, बिल्कुल भी। आप सब देख ही सकते हो कितनी स्मूथली ये गाड़ी चल रही है, और ये हमारा स्टीयरिंग इतना ज्यादा स्मूथ चल रहा है, इतना ज्यादा कट हो रहा है। दोस्तों यहाँ पे भी वैसे बहुत ज्यादा गड्ढे हैं, आपको बता नहीं सकता, तो आपको थोड़ा बहुत तो महसूस हो ही रहा होगा वीडियो में कि हमारा जो कैमरा थोड़ा बहुत हिल रहा होगा। तो फिर भी अंदर गाड़ी में थोड़ा बहुत 50% कह सकते हैं इतना साउंड आ रहा है, बट इसके प्राइस के हिसाब से गाड़ी एक नंबर है। तो दोस्तों आप सब लोग देख ही सकते हो कि बाहर की जगह कैसी है और अंदर हम गाड़ी कितने प्यार से चल रही है। कोई ज्यादा फोर्स नहीं लग रहा है, ना ज्यादा एकदम से रेस जा रही है। एकदम कितने गाड़ियों में होता है रेस देनी पड़ती फिर जाके गाड़ी उठती है। तो आप सब देख सकते हो गाड़ी का स्टीयरिंग में एकदम मक्खन चल रहा है दोस्तों, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए दोस्तों एकदम बढ़िया चल रही है गाड़ी। तो दोस्तों आज की वीडियो हम यहीं पे बंद करते हैं। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज दोस्तों प्लीज इस वीडियो पर कमेंट जरूर करना और हमें बताना कि आपको ये वीडियो अच्छी लगे। तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बताइए। तो दोस्तों मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। चलो दोस्तों बाय बाय।